आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। आजकल महिलाएं देश की तरक्की में सहयोग कर रही है। आजकल महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। अब तो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास का काम करने लगी है। हम बात करें बिहार के जमुई के नवगठित नगर परिषद की, जहां पर चेयरमैन के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें आशा देवी जी भी अपनी किस्मत आजमा रही है। तो आइए बात करते हैं आशा देवी जी से और पूछते हैं कि आखिर क्यों वे चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें, आशा देवी जी अपने क्षेत्र में हमेशा लोगों की सेवा करते नजर आती हैं। जब भी लोगों को इनकी जरूरत होती है, वो लोगों के साथ होती हैं। गरीब लोगों को जरूरत पड़ने पर आर्थिक मदद करती हैं, लड़की की शादी में भी आर्थिक सहयोग करती हैं, बच्चों के पढ़ाई के लिए किताबों का वितरण करती हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। आशा देवी ने अपने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि इस बार 2022 के नगर निकाय के चुनाव में मुझे नवगठित नगर परिषद झाझा के चेयरमैन के लिए अपना समर्थन देकर नगर परिषद झाझा का प्रतिनिधित्व करने का मौका दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि कभी निराश नहीं करूंगी और नगर परिषद झाझा का बेहतर विकास करूंगी। हमारे संवाददाता से बातचीत में आशा देवी ने कहा कि नवगठित नगर परिषद झाझा में जो विकास कार्य होना चाहिए था, वो अब तक नहीं हुआ है। क्षेत्र में भय और भ्रष्टाचार का माहौल है। क्षेत्र के जनता के कहने पर चुनाव लड़ रही हूं। उन्होंने कहा कि इस बार के नगर निकाय चुनाव में मैं नवगठित नगर परिषद झाझा से चेयरमैन का प्रत्याशी हूं। अगर इस बार जनता मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी, तो मैं अपने क्षेत्र में सरकार द्वारा सारी योजनाओं को धरातल पर उतारूंगी। क्षेत्र में भय और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम होगी। क्षेत्र में जल जमाव की समस्या को दूर करूंगी। गरीबों पर विशेष ध्यान होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई के क्षेत्र में कार्य होगा। नगर में स्वच्छता योजना के द्वारा साफ सफाई किया जाएगा, जिससे हमारा नगर स्वच्छ हो। नगर परिषद झाझा में शिक्षा पर विशेष ध्यान होगा। युवाओं के लिए भी विशेष ध्यान दूंगी। महिला होने के नाते महिलाओं के लिए तत्पर रहूंगी। क्षेत्र के सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलूंगी। आशा देवी ने कहा कि मैं झाझा नगर परिषद में चेयरमैन का चुनाव पैसे कमाने के लिए नहीं लड़ रही हूं, बल्कि जनता की सेवा और क्षेत्र का विकास करने के लिए लड़ रही हूं। सर, आप देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आलोक राज। इन दिनों बिहार में नगर निकाय का जो चुनाव है, उसका शुरुआत हो चुका है, क्योंकि चुनाव सितंबर या अक्टूबर में होने का संभावना है, जिसको लेकर तमाम प्रत्याशी अपने क्षेत्र में जनता से मिलना जुलना शुरू कर दिए हैं और अपना चुनावी यात्रा भी वो लोग शुरू कर दिए हैं। आज मैं जमुई जिले के झाझा नगर परिषद में आया हूँ। इस नगर परिषद में जब हम आए और यहाँ के जनता जनार्दन से जब हमने संपर्क किया, यहाँ के एक समाज सेविका हैं जिनका नाम है आशा देवी जी। आशा देवी जी के बारे में हमको पता चला, क्योंकि आशा देवी जी विगत कई वर्षों से लगातार अपने क्षेत्र में समाज सेविका के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। आज हम इनके पास आए हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह है जो आशा देवी जी इस बार नगर परिषद झाझा से चेयरमैन के प्रत्याशी बने हैं, और अगर इस क्षेत्र की जनता इनके ऊपर विश्वास करके इनको अपना बहुमूल्य वोट देकर चेयरमैन जैसे सुशोभित चेयरमैन पद पर सुशोभित करने का कार्य करती है, तो आशा देवी जी अपने क्षेत्र में किस तरीके का विकास का कार्य करेंगे, तो आइए जानते हैं हम आज आशा देवी जी से। आशा देवी जी, सबसे पहले आपका आदर्श भारत टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आशा देवी, झाझा वासियों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार है, और मैं आ रही हूँ चेयरमैन बनने के लिए। और यहाँ तो देख रही हूँ बहुत सारा, मतलब कि बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। आप क्यों चेयरमैन का प्रत्याशी बने हैं इस बार? इसलिए बनना चाह रहे हैं कि बहुत जगह देख रहे हैं तो ना सड़क है, पूरा खराब सड़क बन रहा है, और विकास भी कोई अच्छे से हो नहीं रहा है, और लेडीज लोग को पर भी कोई ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य पर भी कोई ध्यान नहीं है, शिक्षा पर भी कोई ध्यान नहीं है। तो इसलिए मैं जब जितना मेरे से भी हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ। अगर मेरा हाथ में कुछ और पावर आ जाए तो मैं बहुत अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर करूँगी। यानी अगर आप अभी कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, एक समाज सेविका के रूप में आप कार्य करते आ रहे हैं, जब आप काम करते आ रहे हैं तो आपको लगा कि अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो जनता के लिए और बेहतर कार्य कर सकेंगे, इसलिए आप चुनावी मैदान में आ रहे हैं? जी, मैं खुद नहीं, मेरे जितने भी जहाँ भी जा रहे हैं सभी बोल रहे हैं कि मैडम आप तो इतना करते हैं, अगर आप कुछ बन जाते हैं तो और हम लोग के लिए कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा भी मन हो गया, चलिए इस बार मैं भी कोशिश कर रही हूँ। अगर हम बन जाते हैं चेयरमैन तो झाझा को नंबर वन पर लेके जाएंगे हम। अगर इस क्षेत्र की जनता आपके ऊपर विश्वास करके अपना बहुमूल्य वोट दे के आपको अध्यक्ष बनाती है, तो आप किस तरीके से विकास का कार्य करेंगे? आपका सबसे पहले प्राथमिकता क्या है? सबसे पहले है कि लेडी लोग के ऊपर, जितना महिला लोग हैं जो परेशान हैं,
उनके पाँव पर मैं करूँगी। और उसके बाद दूसरा है कि शिक्षा के ऊपर, सफाई, बहुत सारे सफाई कर्मी लोग हैं, उनको टाइम पर वेतन नहीं मिल रहा है और हमारे नगर में अच्छे से सफाई भी नहीं हो रहा है, बहुत गंदगी देश होगा, शिक्षा स्वास्थ्य और सफाई सफाई के लिए, ताकि आप अपने, और बहुत से गरीब आदमी हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है। मेरा कोशिश रहेगा, जो मेरा जितना मेरा बंक पटे, मैं कोशिश करूँगी कि हर आदमी को थोड़ा कुछ काम मिले बढ़िया, जो कि आगे भविष्य उनका अच्छा रहे, उनका बाल बच्चा, उनका पढ़ाई लिखाई, बच्चे लोग का अच्छा से अच्छा विकास हो। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे इस चुनाव में? मेरा क्षेत्रवासियों से यही अनुरोध है कि एक बार हमें मौका दीजिए कि देखिए आशा देवी आपके लिए क्या कर रही है। अगर मैं अच्छी काम करूंगी तो आप हर समय में हमको खोजिएगा, और नहीं करेंगे तो कहाँ से खोजिएगा। तो एक बार मौका हमें देना चाहिए, एक बार मैं अनुरोध करती हूँ झाझावासियों की एक बार हमें मौका दें और देखिए आशा देवी आपके लिए क्या कर रही है।